हेलो बच्चों, नाइसा जेई प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना था, उसके जो रूट्स होते हैं उसको कैसे डिराइव करते हैं वो हमने देखा था। फिर हमने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट, इन सारे चीज़ों को हमने देखा था। फिर लास्ट में हमने डिस्क्रिमिनेंट के कंसेप्ट को देखा था कि जो हमारा ग्राफ है वो डी के वैल्यू के साथ कैसे चेंज होता है। फिर हमने एक और कंसेप्ट देखा था कंजुगेट रूट्स का। आज हम क्या करेंगे, इन सारे कंसेप्ट पे कुछ सवाल करेंगे, और वो सारे सवाल जो होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जेई मेन के या फिर जेई एडवांस के। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी के सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सवाल कह रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, जहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बीटा बड़ा है अल्फा से। क्या है इक्वेशन, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे c जो है वो लेस देन जीरो है और लेस देन बीटा है, मीन्स बीटा बड़ा है सबसे। अब कह रहा है कि देन ये चार ऑप्शन है, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्वेशन क्या दिया हुआ है। तो इक्वेशन दिया हुआ है आपका ए एक्स स्क्वायर, सॉरी सिंपली एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी एक्स दिया हुआ है प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका दिया हुआ है। फिर आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो अल्फ़ा है वो लेस देन बीटा है, एक कंडीशन ये दिया हुआ है। फिर दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है जो सी है वो लेस देन जीरो है और लेस देन बी है। हम यही दो कंसेप्ट को देख के, ये जो चीज़ दिया हुआ है गिवन, हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो कैसे सॉल्व करें, कुछ आइडिया है बताइए कैसे हम आगे बढ़ें। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि जनरली होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सवाल हो, आप देखिए क्या यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के वैलिड है, क्या हम लगा सकते हैं। आपको जवाब है हाँ, आप मैक्सिमम सवाल में लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं इसका। इसका सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। मान लेते एक रूट्स अल्फा एक बीटा है जो कि दिया हुआ है। ठीक, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी एक के जगह पे क्या है वन है, चलिए माइनस बी बाई ए एक जगह पे वन है। फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, फिर हम निकाल लेते हैं, चलिए फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बाई ए, क्या है फिर से वन है तो सी है। तो आपने ये देखा कि दो संख्या है इसका प्रोडक्ट क्या है सी है, और सी क्या है, कैसा नंबर, यहाँ पे देख लीजिए ये लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव नंबर है। अगर आप बताइए किसी भी दो संख्या का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसमें से कोई एक संख्या नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ रहा है सी आ रहा है, सी क्या दिया हुआ है लेस देन जीरो दिया हुआ है, मीन्स नेगेटिव दिया हुआ है। तो आपने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि जो अल्फा या बीटा में से कोई भी एक टर्म क्या होगा नेगेटिव होगा। चलिए फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस बी, बी क्या दिया हुआ है पॉजिटिव है, और उसमें क्या लग गया माइनस लग गया, तो ये सम ऑफ रूट्स भी क्या है नेगेटिव आ गया। तो अब बताइए दो संख्या का सम क्या है नेगेटिव है, और दिया हुआ है कि दोनों नेगेटिव नहीं है। देखिए दो संख्या का सम नेगेटिव कब आएगा, या तो दोनों संख्या नेगेटिव हो या फिर कोई एक नेगेटिव हो और जो नेगेटिव हो वो उसका जो वैल्यू हो नेगेटिव में वो ज़्यादा हो, तभी तो वो दूसरे वाले को क्या करे नेगेटिव कर दे। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप 6 हुआ ठीक प्लस 6, जैसे माइनस 6 कर देते हैं प्लस 2 कर दिए, तो ये क्या हो दो संख्या का सम क्या आएगा आपको नेगेटिव आ जाएगा, आया नेगेटिव। तो इस तरह से जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए नेगेटिव नंबर का वो ज़्यादा होना चाहिए पॉजिटिव नंबर के मैग्नीट्यूड से। हम यहाँ से यही दो कंक्लूजन निकाले, क्या निकाले, पहला कंक्लूजन निकाले यहाँ से कि जो अल्फा या बीटा में से कोई एक संख्या नेगेटिव होगा, फिर दूसरा निकाले कि जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा होगा। तो आपको पहले से पता है कि अल्फा और बीटा, बीटा क्या है बड़ा है, बड़ा है इन द सेंस क्या पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि दो संख्या का प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव है, और आपको दिया हुआ है कि एक संख्या क्या है पॉजिटिव है एक संख्या नेगेटिव है, तो बी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, तो एक रिलेशन ये हो गया।
बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब रही बात अल्फा की, ठीक, तो अल्फा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए, तो आपका बीटा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और अल्फा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे देखिए, ये क्या है, ये अल्फा बीटा दोनों को पॉजिटिव बना दिया, मतलब ये वाला क्या है, ये गलत है। ये देखिए, ये दोनों को नेगेटिव बना दिया, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों में देखना होगा। फिर हमने एक और कंक्लूजन क्या निकाला, जो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कौन सा होगा? अल्फा, इसका जो मॉड होगा वो बड़ा है किस चीज़ से? बीटा से। इसी के कारण तो ये नंबर क्या आया, सम नेगेटिव आ गया। तो आपने क्या देखा, ये देखा। तो अब हम क्या करते हैं, जो देखिए हमारा क्या है, अल्फा क्या है मेरे भाई, नेगेटिव आ गया। चलिए चलिए, फिर इससे बड़ा क्या होगा, बीटा होगा, और बीटा से बड़ा क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ अल्फा हो जाएगा। क्या जाएगा? मॉड ऑफ अल्फा हो जाएगा। चलिए, मॉड ऑफ अल्फा आ जाएगा। चलिए, इसको हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, क्या जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है इससे, जो देख लीजिए, इससे आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इससे देख लीजिए कौन सा है, ये वाला मैच कर रहा है। ये वाला आपका मैच कर रहा है, क्या है ये, अल्फा लेस देन जीरो, लेस देन बीटा, और लेस देन मॉड ऑफ अल्फा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, दो वाला। तो इससे हमने क्या देखा, हमने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस दो ही तो हमने यूज किया है कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं, एक अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर दो। ये भी क्या है, ये आईआईटी का ही पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस सवाल। चलिए, ये सवाल कह रहा है मेरे भाई कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, जहाँ पे ये बता रहा है कि p और q क्या है, ये रियल नंबर है, क्या है, ये रियल नंबर है। चलिए, एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो इसका एक रूट जो होगा, वन रूट जो होगा वो किसके इक्वल है, जैसे 2 √3i इसके इक्वल है, या फिर i√3, अब जैसा आपका मन करे उसे लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक, ऐसा अगर करेक्ट देखा जाए तो लिख देते हैं ऐसे ही। चलिए, 2 √3, एक रूट ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि आपसे पूछ क्या रहा है, पी और क्यू के वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि ये किस कंसेप्ट पर आधारित है, ये आपका कंजुगेट पे आधारित है, जो कंजुगेट का कंसेप्ट है उस पर आधारित है। कंजुगेट वाला कंसेप्ट क्या था, अगर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका ए यहाँ पे क्या 1 है, ए बी सी अगर तीनों संख्या क्या हो, रियल नंबर हो, तो अगर किसी एक का कोई भी एक रूट दिया हुआ है वो कंजुगेट में दिया हुआ है, तो उसका जो अगला रूट होगा, जो दूसरा रूट होगा वो भी क्या होगा, उसका कंजुगेट कम्प्लेक्स होगा, ठीक। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 − i√3, पहला रूट आपको दिया था, दूसरा रूट क्या, क्यों नहीं, क्यों ये होगा, क्योंकि जो ये पी क्यू और वन ये सारा का सारा क्या है, ये रियल दिया हुआ है, ठीक। चलिए, आपसे पूछ क्या रहा है कि पी और क्यू का वैल्यू, तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, देखिए दोनों का सम कीजिए, 2 + i√3 और 2 − i√3, तो क्या आ जाएगा, दोनों का सम कीजिएगा 4 आ जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, 4। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, −b/a मीन्स −p, तो यहाँ से आपका p का वैल्यू निकल जाएगा कितना, −4। चलिए, फिर आपको एक और फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, a + b × a − b, a² − b² तो i क्या हो जाएगा, एक और माइनस, तो दोनों का सम हो जाएगा कितना, 4 + 3 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये किसके बराबर, c/c क्या है, q। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, q की वैल्यू 7 आ गई। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा
इस तरह से हमने देखा p की वैल्यू को -4 और q की वैल्यू को 7। तो ये हमारा इसमें क्या कर सकते, वो किसी तरह से पूछ देगा दोनों का डिफरेंस क्या होगा। जैसे अब नया सवाल कोई क्या कहते हैं क्रिएट करेगा, दोनों का डिफरेंस पूछ देगा, दोनों का सम पूछ देगा, है ना, दोनों का प्रोडक्ट पूछ देगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक, चलिए चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। कह रहा है कि अगर एक कंडीशन दिया हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको कंडीशन क्या है दिया हुआ है। ठीक, फिर आपको करना है क्या है, प्रूव करना है कि आपको क्या करना है, प्रूव दैट 1 जो होगा क्या है, 1 विल बी द रूट, क्या होगा, रूट होगा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है आपका, 0 दिया हुआ है। देने के बावजूद, देने के बाद ये पूछ रहा आपसे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जो एक रूट जो होगा वो 1 होगा, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये दिया हुआ, अब क्या कीजिए इसमें आपका क्या है, चलिए प्रूव क्या करना है, 1 होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया हुआ ए बी सी के बारे में, ये क्या, ये रियल नंबर है, रियल नंबर है, मीन्स ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, चलिए तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए इसका आप डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल डी का फॉर्मूला पता आपको, कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। और आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, b का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना माइनस ऑफ a प्लस सी, फिर बी स्क्वायर का निकाल सकते हैं, कितना ए प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कीजिए क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप ए लिख सकते हैं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए लिख के देखिए आ रहा है क्या, इसको अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो कितना 2ac आएगा, तो माइनस 4ac प्लस 2ac क्या हो जाएगा, माइनस 2ac, तो क्या हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। चलिए तो आपने क्या किया, डी का वैल्यू निकाल लिया, और आपको पता है कि रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा था जो रूट्स होंगे, यहाँ पर रूट्स क्या है, एक्स है, एक्स का ही अलग अलग वैल्यू है ना, एक अल्फा एक बीटा। ठीक, तो हम जनरलाइज ले लेते हैं, जनरल क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यही फार्मूला होता है, जनरलाइज फार्मूला। तो आपने यहाँ क्या किया, डी का वैल्यू निकाल रखा है, तो क्या आ जाएगा माइनस बी, बी की जगह पर क्या है, बी ही है, क्योंकि आपका इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ही तो दिया हुआ है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, चलिए तो माइनस बी की जगह माइनस बी प्लस माइनस, देखिए अब डी के जगह पे क्या दिया हुआ है, क्या हमने निकाला है कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 2a। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो बाहर निकलेगा तो मोड के साथ ही बाहर निकलेगा, फिर मोड को खोलिएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस, और पहले से प्लस माइनस है, एक प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है, फिर एक और प्लस माइनस कोई इफेक्ट डालेगा, कोई नहीं, तो हम क्या करते हैं सिंपली बाहर निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे सिंपली कोई प्लस होता या माइनस होता तो हम उसको प्लस माइनस लिखते, लेकिन यहाँ पे पहले से ही प्लस माइनस है, इसलिए इसको जो हम निकालेंगे इसके बाद मोड लगा के निकालेंगे, फिर मोड को जब हम तोड़ेंगे तो प्लस माइनस आएगा, कोई इस पर प्रभाव नहीं डालेगा,
ठीक, तो x का जो वैल्यू आएगा वो देख लीजिए, चलिए तो x का एक वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस चलिए a माइनस सी बाय 2a। और अब पता है b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए आपको ये दिया हुआ है ना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से माइनस बी निकाल सकते हैं कितना है ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है ना इसलिए माइनस बी का वैल्यू निकाल रहे हैं कितना ए प्लस सी। चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस बी इज इक्वल टू कितना है ए प्लस सी, एक बार में हम प्लस वाला ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए माइनस सी चलिए बाय टू ए, क्या कैंसिल हो गया सी से सी कैंसिल ए प्लस ए टू ए बाय टू ए कितना आएगा वैल्यू वन। तो यही तो आपको प्रूव करना था। चलिए क्या आप दूसरा जो रूट्स आएगा वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए तो हम दूसरा रूट्स भी निकाल देते हैं, हमें तो बस वन ही प्रूव करने के लिए कहा गया था लेकिन हम दूसरा भी निकाल देते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा एक माइनस वाला ले लेंगे, तो ए प्लस सी माइनस क्या ए माइनस सी बाय टू ए। अब क्या आ जाएगा ए वाला और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस सी कितना टू सी बाई टू ए कितना सी बाई ए। तो ये क्या आ गया, ये आपका दूसरा रूट आ गया। तो देखिए इस पे सवाल कैसे आएंगे, ऐसे आपको पता है आईआईटी जनरली सवाल को रिपीट करता नहीं है लेकिन सबको तो रिपीट करता है, तो इस पे क्या कर देगा आप देखिए कि ए बी सी मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक्स का कोफिशियंट और जो कॉन्स्टेंट टर्म है तीनों का सम अगर क्या जीरो आ जाए, क्या आ जाए जीरो आ जाए तो उसका वन रूट क्या होगा वन आएगा। जैसे आप क्या कर सकता है वो जैसे एक जगह पर जैसे ये इक्वेशन हुआ जैसे देखिए जैसे आपका वो जैसे देखिए जैसे आपका वो इक्वेशन था कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहीं पे क्या कर सकता है वो जैसे देखिए ए प्लस बी माइनस सी ऐसे लिख सकता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी माइनस बी, हम ऐसे ही लिख रहे हैं इंटू एक्स प्लस ए और यहाँ माइनस से लिख देते हैं प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आपको दे दिया और आपको लिख दिया पहले से कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है क्योंकि इसको तो ठीक है तो तीनों का सम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा और वो दे दिया क्या जीरो। इस तरह से वो कुछ भी बना सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि तीनों का सम क्या आ रहा है ठीक है। और जब आपको ये भी पता है तीनों अगर रियल हो जो कोफिशियंट है अगर रियल हो तो उसका रूट्स क्या आएगा हमेशा रियल आएंगे। वन रूट अगर आपका वन है तो दूसरा रूट क्या है ऑब्वियस ही क्या रियल ही होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स होने के लिए अगर कोफिशियंट रियल हो तो एक रूट क्या हो कोफिशियंट होगा सॉरी अगर कंजुगेट होगा तो दूसरा क्या होगा उसका कंजुगेट हो जाएगा। एक रूट अगर जैसे आपने सवाल पीछे देखा था एक रूट अगर ए प्लस जैसे अगर रूट थ्री है सिंपली रूट थ्री की जगह पे हम मान लेते हैं कि अगर बी है ए प्लस बी है तो दूसरा रूट जो होगा ऑब्वियस है ए माइनस रूट बी हो जाएगा इसका कंजुगेट हो जाएगा। या फिर अगर ए प्लस जैसे ए प्लस आई रूट बी है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा ए माइनस आई रूट बी हो जाएगा। मीन्स जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो क्या आएगा ये कंजुगेट में ही आएगा ठीक है। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका अगर एक रूट रियल है तो दूसरा ऑब्वियस ही रियल ही होगा वो इमेजनरी नहीं हो सकता क्योंकि इमेजनरी अकेले नहीं आता है वो पेयर में आता है ठीक है। तो ये रहा आज का तीन सवाल। और एक और क्या करते हैं छोटा सा एक कंसेप्ट हम देख लेते हैं। चलिए इस पर भी आजकल आईआईटी थोड़ा सवाल ज़्यादा पूछ रहा है वो कंसेप्ट क्या है हम देख लेते हैं वो क्या है थोड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। चलिए जैसे अब देखिए कोई ए है का पावर अगर एफ एक्स है इज इक्वल टू ए का पावर जी एक्स मेरे भाई अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कब होंगे बताइए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सब बच्चे बोलेंगे सर एफ एक्स बराबर जी एक्स हो जाएगा ऑब्वियस है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्या बस यही एक कंसेप्ट आएगा या फिर और भी कुछ हो सकता है सोचिए। देखिए
ए का वैल्यू अगर आप जीरो वन भी रखिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि वन का पावर कुछ भी, वन का पावर कुछ भी क्या जाएगा, इक्वल ही आएगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा, और इसको प्रूफ कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, सिंपली इसको दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। क्या ले लेते हैं, लॉग। हमने क्या किया, लॉग ले लिया। तो लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए ऑफ जी एक्स। चलिए चलिए लॉग ले लिए। अब देखिए एक पावर, कोई पावर लॉग में क्या होता है, कोई भी पावर में होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो क्या किए, एफ एक्स क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, सिमिलरली जी एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अब क्या, लॉग ए कॉमन, दोनों को एक तरफ ले आते हैं और लॉग ए कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो गया, लॉग ए कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या आ गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये हम बता रहे हैं कि वो कैसे लाए हैं। देखिए अब दो संख्या का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। चलिए तो ये जीरो मीन्स लॉग ए इजकल टू जीरो, ये जीरो कब होगा, जब इसका जो आर्गूमेंट, इसको आर्गूमेंट कहते हैं, आर्गूमेंट का वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए। क्या हो जाए, वन हो जाए, क्योंकि आप वन को किसी के पावर, ऐसे 10 के पावर जीरो लिख सकते हैं, कुछ भी ए के पावर जीरो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी आपको बताएं, पावर होता है वो क्या, बगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, कोफिशियंट में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर कोई भी दिया हुआ है ए के पावर जी एक्स इक्वल है ए के पावर एफ एक्स का, तो क्या होगा, आपको दोनों चीज़ों को आपको देखना होगा कि ए का वैल्यू कहाँ कहाँ वन होता है और एफ एक्स बराबर कहाँ जीरो होता है। ठीक है, ये तो हुआ, ये सब पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको और जनरलाइज करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कहीं दिक्कत ना हो। देखिए कैसे जनरलाइज करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, यू ऑफ एक्स का पावर एफ एक्स, थोड़ा और जनरलाइज कर देते हैं, यू ऑफ एक्स का पावर जी एक्स। देखिए हमने क्या किया, जनरलाइज कर दिया। अब क्या होगा, देखिए आपको पहला वाला कंसेप्ट तो पता है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स होगा, एफ एक्स बराबर जी एक्स, एक ये होगा तभी ये इक्वल हो जाएगा। दूसरा आपने ये देखा, यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, ये दोनों पहले से देख रखे हैं आप। अब क्या होगा, अब देखिए इसके अलावा भी कोई कंसेप्ट हो सकता है, सोचिए 10 सेकंड समय दिए आपको, देखिए इसके अलावा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लेते हैं यू एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए, क्या हो जाए, यू एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए, लेकिन जीरो होगा तो ये वैल्यू ऊपर वाला जो एफ एक्स जी एक्स है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लेते, अगर आपका मन में डाउट आएगा, इसका नेगेटिव वैल्यू अगर माइनस रखेंगे तो क्या होगा, तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए यू एक्स का जो पावर होगा, यू एक्स अगर, ये दोनों तो हम लोग जान ही रहे हैं, ये दोनों होगा, ऊपर में हमने देखा ही था। और तीसरा क्या आ जाएगा कि अब यू एक्स बराबर जीरो कब, जब यू एक्स जीरो होगा कब, जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों पॉजिटिव होगा तब, ठीक ठीक। एक ये आ गया, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, देखिए बिल्कुल आ सकता है। अगर u ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, देखिए u ऑफ x का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, ये देखिए u ऑफ x का वैल्यू अगर हम क्या लिखते हैं, माइनस में लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका पावर भी क्या होना चाहिए, दोनों का पावर सेम होना चाहिए, सेम इन द सेंस या तो दोनों एक साथ पॉजिटिव हो जाए या तो एक साथ नेगेटिव हो जाए, फिर भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ, यू एक्स का वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो दोनों का पावर क्या होना चाहिए, एक साथ ही सेम होना चाहिए। ये लेते हैं, यू एक्स इजिकल टू माइनस वन लेते हैं, देन बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ हैव सेम साइन, क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो दोनों का सेम होगा तभी इक्वल होगा।
तो आपने क्या देखा, ये देखा, ये देखा। अब हम क्या करते हैं, ये रहा मतलब कि ये वाला कंसेप्ट। इसमें हम एक छोटा सा आईआईटी का पूछा हुआ ही सवाल कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा ब्रशअप हो जाए। देखिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, आज का ये चौथा सवाल है, तीन सवाल हमने पहले देख रखा है, ये भी क्या है आईआईटी का ही सवाल है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है मॉड ऑफ एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ठीक इज इक्वल टू वन है। पूछ रहा है नंबर ऑफ रूट्स, मीन्स रूट्स का नंबर कितना होगा, इसका कितना रूट्स होगा, मीन्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स के कितने वैल्यू होंगे ये पूछ रहा है। अब देखिए ये सवाल है तो अब क्या कर सकते, सबसे पहले ये ए हुआ, ए का पावर या फिर एफ एक्स हुआ, एफ एक्स का पावर सॉरी ये मान यू एक्स हुआ, यू एक्स का पावर ये एफ एक्स है, तो इसको भी क्या करना होगा, यू एक्स के फॉर्म में सजाना होगा, तो ये मॉड ऑफ एक्स है, इसको भी आप क्या कर सकते कर दीजिए, मॉड ऑफ एक्स कर दीजिए का पावर जीरो कर दीजिए। कोई भी चीज़ का पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो हमने वन को ऐसे सजा दिया। तो आपने क्या देखा, यहाँ से ये देखा कि जो मॉड ऑफ एक्स है इसका वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, एक कंडीशन वन होना चाहिए और एक इसका पावर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ एक्स मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वन है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, दो वैल्यू आ जाएंगे, कितना प्लस माइनस वन। तो यहाँ से नंबर ऑफ रूट्स कितने आए, दो आए है ना। फिर हम यहाँ से देखते हैं, चलिए यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या है एक्स इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से हमने एक्स की दो वैल्यू लिए, कितना जीरो और टू, इस तरह से एक्स का कितना वैल्यू आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख देते हैं, एक्स का वैल्यू आया माइनस वन जीरो वन और टू आया। देखिए क्या ये सही है, बताइए हमने एक्स का चार वैल्यू निकाला, क्या यही होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, बताइए। देखिए आपको करना है क्या होगा, ये तो ठीक है आपने चार लिया है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको सस्पिशियस लगे, जहाँ पे क्या हो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाए, वहाँ पे आपको ये चेक करना होगा। वो कैसे होगा, तो अब जितना ज़्यादा सवाल सॉल्व कीजिएगा ना उतना ही ज़्यादा आपका माइंड क्या होगा, एक्सपेंड होगा, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मैच्योरिटी आएगा। तो करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ एक्स है, एक्स का वैल्यू अगर आप जीरो रखते हैं ठीक है, तो जीरो का जैसे होता क्या है, आप लिमिट में पढ़िएगा सात तरह का क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जैसे जीरो का पावर जीरो, वन का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब इस तरह से सात होते हैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे देखिए ये अगर जीरो रखिएगा, जीरो का पावर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे एक्स का वैल्यू जीरो रखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया जीरो माइनस जीरो, मीन्स एक्स का पावर क्या हो गया जीरो, मीन्स एक्स का वैल्यू क्या है जीरो है, तो जीरो का पावर जीरो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो इसीलिए ये जीरो नहीं होगा इसका रूट्स, जीरो को क्या करना होगा एक्सक्लूड करना है, समझ रहे हैं आप, वन रख लीजिए टू रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा नंबर ऑफ रूट्स कितना है, इसीलिए नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा थ्री आएगा। इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, सम ऑफ रूट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ भी पूछ सकता है वो, यहाँ पर वो सिंपली नंबर ऑफ रूट्स पूछा ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।